नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार सिंह। एमवीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुराने नोट संबंध में जिला बैंक के ऊपर से हटाया गया निर्बंध। बेस्ट के कर्मचारियों का पगार बनी चिंता। एसी लोकल ट्रेन टेस्ट में हुई पास। सरपंच योजना को कम मिला प्रतिशत। अब नए नियमों के अनुसार अब आप हफ्ते भर में बिजली बिल जमा कर सकते हैं। नवी मुंबई करों को सता रही है गर्मी, गन्ने का जूस बना सहारा। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने करे नियम अपनाए थे। जिला बैंक के ऊपर भी करे नियम अपनाते हुए पुराने नोट को लेन देन पर रोक लगाई थी। अब इस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पुराने नोट्स पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जा रहा है, इसलिए इन बैंकों के नोट संबंधित बैंकों की करेंसी चेस्ट में भर्ती मार्ग मुफ्त है। पुणे जिला बैंकों के पास लगभग 574 करोड़ रुपए का पुराना नोट है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के बीच बैठक में यह फैसला हुआ। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के निर्णय के बाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके अनुसार रद्द किए गए नोटों पर बैंकों द्वारा स्वीकार करना प्रतिबंधित था। अब नियम अनुसार हर एक काम को केंद्र के आदेश पर किया जा रहा है, जिसके बाद पुराने नोट से संबंधित हर एक काम को अच्छे तरीके से अंजाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। लोगों को मेहनत के बदले पैसे मिलने से उनकी सारी परेशानी दूर होती है, पर अगर आपको पैसे बहुत दिनों से ना मिले तो आपके घर का कामकाज रुक जाता है। ऐसा ही हाल है वेस्ट यूनियन के कर्मचारियों का। पिछले महीने से पगार ना मिलने से कर्मचारियों में है रोष। बेस्ट में काम करने वाले कामगारों की बैठक हुई, जिसमें उनके फरवरी में पैसे ना मिलने के मुद्दे पर बात चली। वेस्ट वर्कर्स यूनियन ने इस संदर्भ में पैसे ना मिलने पर आंदोलन की तरफ इशारा करते हुए जल्दी इस कार्रवाई की मांग की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल कोकिल ने भी इस मुद्दे पर कोई हल नहीं निकाल पाए। अनिल कोकिल पहले बेस्ट कर्मचारी थे। महापालिका को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इससे इस्तीफा दिया था। ये बैठक उनकी पहली बैठक थी, लेकिन इस पर उन्होंने कोई भी हल नहीं निकाले, जो कि आगे जाकर आंदोलन का रूप ले सकता है, ऐसा बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। मुंबई वासियों के लिए नई सौगात जल्दी आने वाली है। अब लोकल ट्रेन के बाद लोकल एसी ट्रेन की मिल सकती है सौगात। एसी लोकल ट्रेन टेस्ट में हुई पास, लेकिन अभी और कुछ दिन करना होगा इंतजार। मुंबई के लोगों के लिए लोकल ट्रेन तो एक साधन है ही, लेकिन अब पश्चिम रेलवे ने एसी लोकल ट्रेन की व्यवस्था कर रही है। महीने भर पहले इसकी टेस्ट को लेकर पूरी रणनीति तैयार करके जांचा एवं परखा गया, उसके बाद इसको चलाने के लिए तैयार किया गया। यह ट्रेन ठाणे से टिटवाला के लिए चलाई गई, जो कि एक टेस्ट थी। इसको और भी जांच से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद पश्चिम रेलवे इसको सुरक्षा प्रमाण पत्र देकर पास करेगी। हर एक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन लोगों के लिए एवं मुंबई वासियों के लिए नई सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। किसानों के लिए एवं खेती के लिए सरकार ने कई योजनाएं लाई हैं, लेकिन बहुत ही कम योजनाओं को सफलता मिलती है। सौर पंप योजना को ऐसे ही कम प्रतिशत मिला था, लेकिन अब सरकार ने नए सिरे से काम शुरू कर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राज्यों में कृषि पंप की संख्या 40,54,000 है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2,10,000 नए कृषि पंप लगाए गए हैं। अपारंपरिक ऊर्जा निर्मित से 400 मेगावाट बिजली की बढ़ोतरी हुई है। ऊर्जा को बचाने के लिए 2,07,00,000 एलईडी बल्ब का वितरण भाजपा सरकार ने किया है। ऊर्जा बचाने के लिए एक अच्छा निर्णय लिया गया है, जो कि मार्च 2016 में 6,978 मेगावाट था, उसके बाद ही 31 अक्टूबर तक 7,362 मेगावाट हुआ। अटल और खुशी पंप योजना को बिल्कुल भी प्रतिशत न होते हुए 7,540 पंप बिठाने का लक्ष्य पे यही योजना 2015 को शुरू की गई थी। अभी दिसंबर तक 1,674 खुशी पंप बिठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबीटीवी। बिजली बिल को लेकर राज्यों में एक नए प्रस्ताव से लोगों की परेशानी कम होगी। बात करें तो अब आप हफ्ते भर में भी बिजली बिल जमा कर सकते हैं, ताकि महीनों भर के टेंशन से मुक्त रहें। पूरे भारत में लोग बिजली बिल जमा करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफिसों में जाकर, लेकिन अब महाराष्ट्र राज्य में अब नए योजना के तहत लोग अब बिजली बिल एक सप्ताह में दे सकते हैं। ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर वावनकले के अनुसार नई योजना आने से लोगों को थोड़ा आराम मिलेगा। पहले लोग महीने भर में बिजली बिल जमा करते थे, जिसके पास समय न होने के कारण उनको समस्याएं आती थी। अब उनके लिए ये आराम की बात है। एक एक सप्ताह में अब बिजली बिल स्वीकार किया जाएगा, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। पूरे देश के साथ नवी मुंबई में भी गर्मी का असर दिख रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। सबसे जरूरी है खाने एवं पीने में आप अपने आप को तंदुरुस्त बनाएं। इसी के लिए लोग आजकल गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं, ताकि अपने आप को आराम दे सकें।
नवी मुंबई में लोग गर्मी बढ़ने के बाद थोड़े सहज हो चुके हैं। तरह तरह के उपायों से लोग गर्मी से राहत पा रहे हैं। फलों में गन्ने का जूस आजकल लोगों का सहारा बना हुआ है। कहीं भी लोग जाते हैं, चाहे ऑफिस हो या मार्केट, रास्ते में लोग गन्ने का जूस पीना पसंद करते हैं। गन्ने के जूस से तुरंत एनर्जी मिलता है, जिससे लोगों को राहत पहुंचती है। इसी के संदर्भ में आम नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। या ऋतु मध्ये लोग थंड असं काहीतरी जे दिवस भर फिरणारे किंवा असं ते थोडंसं वाटतात, हा या याच्यावर धंदा करते आणि जाणार येणारे येणार। गन्ने के जूस के बारे में, गन्ने का जूस क्यों लोग पीते हैं कि मतलब मौसम गर्मी का मौसम है तो लोग एक्चुअली पियेंगे ही, लेकिन क्या है ये पीने से मतलब अपने जो बॉडी में मतलब गर्माहट या मतलब जो एनर्जी, मतलब एनर्जी, जो थकान है वो इसको पीने से एनर्जी आती है और इसके लिए लोग पीते हैं। नहीं कभी मतलब इंसान बाहर निकलेगा तो उसको गर्मी जो गर्म पड़ता है, बाहर धूप पड़ता है, उसके वजह से तो पानी की इंसान को प्यास लगती है, तो पानी की जगह पे गन्ने का जूस पी लिया या मतलब फ्रूट वगैरह का जूस, जैसे कि मतलब अपने बॉडी को एनर्जी मिलता है जिससे, वो उसके लिए लोग पीते हैं। और पीने से मतलब क्या अपने बॉडी को मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब उसको एनर्जी मिलता ही है। लोग गर्मियों के दिन में गन्ने का जूस ज्यादा पी रहे हैं। गर्मियों में गन्ने के जूस की ज्यादा बिक्री हो रही है, जिसके बाद गन्ने का बिक्री 10 से 12 रुपए प्रति ग्लास हो रहा है। इसी संदर्भ में दुकानदार भाइयों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कैसे कई गाँव कई काम नहीं चालू है, कैसे पर अपने साफ सफाई थे सगले मजे वो सगले बर पला 12 है, बिना बर 15 है। ऊस शरीर चांगला लोग गन्ने का जूस पीकर अपने सेहत बनाते हुए गर्मी से बच रहे हैं। कैमरामैन सूरज कामरे के साथ विकास कुमार सिंह, MVTV। आज के समाचार में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए MVTV न्यूज़।